हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़ घूमने पापा के साथ। पापा अलीगढ़ जा रहे थे किसी काम से, तो उन्होंने कहा मैं तू भी चल, अकेले जा रहे हैं वो इसलिए। तो अब मैं, मम्मी और गीता आंटी और उनका लड़का जा रहा है अलीगढ़। ठीक है गाइस, तो चलो चलते हैं। पापा बाहर सैयद पे आ गए हैं, वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, ये हमारे एटा शहर की सबसे मशहूर जलेबी हैं। हाईवे पे चल रहे हैं अभी, पापा खा रहे हैं और पापा खा रहे हैं जलेबी, गाड़ी चला रहे हैं पापा, और जो पीछे भी अकीदा आंटी भी जलेबी खा रही हैं, और जो खाना रो रहा है, जो कह रहा है मुझे टकाटक चाहिए, जलेबी नहीं खाऊंगा, और मम्मी भी खा रही हैं जलेबी, और मैं भी खा रहा हूँ जलेबी। और अभी चल रहे हैं हाईवे पे, और कोहरा बहुत है यहाँ पे। गाइस, अब टोल पड़ चुका है अलीगढ़ एंट्री होने से पहले। वो कोहरा देखो गाइस, बस 23 किलोमीटर दूर है यहाँ से अलीगढ़। वो किधर गए, वो आ रहा है। तो गाइस, अभी हम रुके हैं हाईवे पे एक जगह पे हवा हवा गाड़ी में चेक करवाने के लिए, और काना को टकाटक भी लेना था, तो यहाँ से ले लेंगे पीछे से। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, इसके हवा चेक हुई अभी। गाइस, एक जगह पे रुके थे हवा भरवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा पोपट हो चुका है और यहाँ पे हवा भरी नहीं। और हमारे सामने देखो कितना बड़ा स्कूल है, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत जूम करना पड़ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है इसलिए। और भाई बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ तक है, वहाँ तक पूरा। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, यहाँ से सामने आ गया हूँ मैं, यहाँ से देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए, और ये यहाँ तक है। कितना अच्छा भाई साहब, बड़ा बड़ा बहुत है ये। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी गाइस, ये खड़ी है गाड़ी, और ये रहा स्कूल, ये। और अब पापा लेके आ रहे हैं गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ से आगे आ गया था ना। चलो अब चलते हैं। अरे ये तो छोड़ के चले गए, अरे ये तो छोड़ के चले गए गाइस, छोड़ के जा रहे हैं ये लोग तो। अरे इनको पकड़ना पड़ेगा, अरे रुक गए। और ये देखिए गाइस, स्कूल, ये हाईवे चल रहा है पूरा। अभी हम लोग वहाँ पे थे और अभी हम लोग इधर जाएंगे सीधे, और ये खड़ी गाड़ी, चलो अब चलते हैं। तो गाइस, अलीगढ़ पहुँच चुके हैं, इस साइड है अलीगढ़, और अभी हम अलीगढ़ के बाहर चल रहे हैं हाईवे पे, बाईपास। और इधर साइड धूप निकल आई है, लेकिन उस साइड नहीं निकली धूप। ट्रेन की पटरी, मैं बनाऊं।
आगे बैठ जाना भैया, जा रहे चलेंगे ठीक है भैया, सोमवार को चलेंगे पटना पच्चीस बिहार। हम मैं चलूंगा। तो भोले बाबा की हाँ, बैटरी को दी में आता ना आता ना तो मैं लेना बच्चे ही हो जी। अलीगढ़ का तिराया पेशन बोल बहुत ही है पीछे को तो दिखा दो क्या, हम तो एंजॉय करते जाते हैं। लोटस बने लोटस छोड़ो जब मंदिर बने भैया तेल लग गई थी पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास। यहाँ पे हमको आना था और पीछे है हनुमान मंदिर, कितने बड़े हनुमान जी हैं अभी आपको सही से दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये गाइस कितने बड़े हनुमान जी हैं और ये रहा मंदिर और ऊपर देखिए हनुमान जी भाई साहब। और ये खड़ी गाड़ी अपनी पीछे थोड़ी सी
ठुक गई है। और ये देखिएगा गाइस आसपास के खेत वगैरह, और ये हैं वो देखिएगा हनुमान जी। ये देते हैं गाइस दवाई, और इन्हीं का ये मंदिर है। दवाई लेके आ चुके हैं, और एक मंदिर पड़ा है ये हनुमान जी का, तो यहाँ पे रुके हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी प्यारे से हनुमान जी हैं। ये देखिए गाइस यहाँ के हनुमान जी प्यारे प्यारे से यहाँ पर हैं, और आसपास के ये हैं खेत वगैरह ये। और फिलहाल तो हनुमान जी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा और घूम फिर के। ये देखिए गाइस पूरा मंदिर है ये, इधर है हनुमान जी यहाँ पे थे, और ये देखिए गाइस पूरा देखिए फ्रेंड यहाँ पे खड़ी कर दी है गाड़ी, और यहाँ पे हाथ मुँह धो के फिर चलते हैं आसपास के खेत देखिए। और ये काना टॉयलेट कर रहा है। रोड बहुत मस्त है यार। और पेड़ पौधे देखिए गाइस कितने अच्छे हैं, और ये दो हनुमान जी वाले भी ये सबसे ज़्यादा अच्छे हैं ये दो। ये देखिए गाइस ये गांव, ये ही वाला पेड़ है ये। अब ये जगह पर रुके हुए थे खाने पीने के लिए, तो वो अभी हमने अभी खाया था, मिर्च खाई थी, समोसे खाए थे, और बड़ा पाव। देखिए लंगूर वो छोड़ के भाग गए लंगूर। वो कुछ डाल लेंगे इस खाने के लिए, इतनी बड़ी रस्सी से बांध रखा है पूंछ। पूछते हो गाइस कितनी लंबी, ओह रस्सी पकड़ ली, ले गए। अभी आपने देखा भाई साहब लंगूर, मैंने लंगूर पता है दूसरी बार देखा है, सच्ची में दूसरी बार। यहाँ पे रुके हुए थे, और हमने सामने वाली दुकान से ब्रेड पकौड़ा और समोसे वगैरह खाए हुए थे। एक टोल पे रुके हुए थे, सिकंदर राव का टोल है ये, अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पे पहले रुके थे उसी वही वाला है वो दिखाते हैं। यहाँ पे रुके हुए थे, अभी एक बस खड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, और फिलहाल तो यहाँ पे भीड़ है, अभी चलेंगे थोड़ी देर में, जैसे ही बस यहाँ से जाएगी वैसे ये दूसरी वाली गाड़ी आएगी, फिर हम हमारी वाली भी जाएगी। और ये देखिएगा यहाँ का व्यू ले लो आप पूरा, पीछे तो गाड़ी आ रही है गाइस, एक आगे चल के आपको दिखाएंगे। हम रास्ते में आ रहे थे तो हमको पता चला यहाँ पे एक भोले बाबा का मंदिर है, तो हम वहाँ पे रुके हैं दर्शन करने के लिए। कहा जाता है ये बहुत बड़े वो हैं, वो सबसे बड़े वो भगवान जी हैं। यहाँ पे झाड़ू लगाई जाती है, जितना कोई भी कितना भी बड़ा आदमी आ जाए यहाँ पे झाड़ू लगा के जरूर जाता है, तो झाड़ू मारे जाते हैं यहाँ पे, तो हमें भी मारनी है। तो यहाँ पे गड़ी कर दी है गाड़ी, और हाथ पैर सब धो लिए हैं, तो अभी हम लोग दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पे अभी कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, पूरा सुनसान है, देखो गाइस सब कुछ सुनसान है। ये कब्रिस्तान है, ये खड़ी गाड़ी, और ये है, और एक ये झोपड़ी सी है, इसमें बाबा रहते हैं एक।
भैया इंगल पी ले। मम्मी झाड़ू मार रही है। तो गाइस मम्मी झाड़ू मार रही है अभी। मंदिर की मान पाई है। अच्छी जगह गाइस काफी। और यहाँ पे एक ये कुआ जैसा कुछ है। ये देखिए गाइस कोई नहीं है अभी यहाँ पे, हम ही हैं। सर उस रुक जाए करो गाइस। अभी आपको और दिखाते हैं, सामने भोले बाबा और हैं। देखिए गाइस भोले बाबा हैं यहाँ पे ये, और ये पूरा देख लीजिए यहाँ पे हैं ये भोले बाबा छोटे से। और ये रहा वो मंदिर, और ये रहे बाबा यहाँ पे जो पूजा करते हैं रोज, यहीं पे रहते हैं मतलब ये इस वाले घर में। ये खड़ी अपनी गाड़ी, चलो चलते हैं। मंदिर पे हम लोग आए थे, उसका गेट मेन गेट यहाँ पे है, अभी आपको दिखाता हूँ मेन गेट। और यहाँ पे आपको हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी ये, और ये है यहाँ पे मेन गेट सिकंदरा राव वाले जलेसर रोड पे है ये। ये रहा रोड, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है, जलेसर रोड पे है ये।
थोड़ी सी अंदर आएंगे तो आपको ये वाला गेट मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा, तो सीधे इसी रोड पे चले जाना, थोड़ी दूर है यहाँ से मंदिर, वो सामने ही है गाइस, वो दिख रहा है सामने वहाँ पे। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, ये बोर्ड लगा है सामने चांदनपुर चांदनपुरा, ये दिख रहा है ना आपको गाइस, यही है। और फिर ये रहा गेट, ये रहा बोर्ड और ये रहा गेट, बहुत पास में ही है। और ये यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी आपको, तो इससे पहचान लेना आप गाइस। और वहाँ सामने ही है मंदिर, ठीक है गाइस। कोहरा पड़ने लगा है, अब कोहरा बहुत पड़ने लगा है गाइस, शाम हो गई है और मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है जिससे, और आज वॉच भी नहीं है मेरे हाथ में तो जिससे मैं टाइम बता सकूँ आपको। पेट्रोल पंप है क्या, होटल है, होटल होटल है, होटल गाइस। अभी काली मंदिर पे रुके थे, भाई बहुत अच्छा सजा हुआ है काली मंदिर, ये देखिए गाइस बहुत अच्छा सजा हुआ है। काट ले वो बार, बढ़िया मंदिर काट ले वो बार, जाके हाथ में से ले वो खेला मंदिर। चलो चिल्ला रहे हैं, काट ले वो बार, नहीं मजाक ना है। ये देखिए गाइस यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, जल्लरें लगी हैं, यहीं तक है सिर्फ काली मंदिर पे। शीतला मैया पहुँच चुके हैं ठंडी सड़क पे और सैयद पे, सॉरी जा रहे हैं अपनी गली में, ये खड़ी गाड़ी, पापा जाएंगे अब हॉस्पिटल, चाचा वाले गाड़ी देने चाचा को, और हम जाएंगे घर पे अब। तो वैसे आ चुके हैं घर पे और अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, बिकॉज खाना तो वो हम लोग पिलुआ रुके थे वहाँ पे खा आए थे, इसलिए खाना नहीं बनेगा अब घर पे, क्योंकि पेट है भाई फुल, और अब थोड़ी सी ना नींद सी आ रही, तो अब सो जाते हैं। और टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, मेरे पास आज वॉच भी नहीं है, शायद पीछे वॉच रखी हुई है, बट अभी आपको दिखाता हूँ। एट फिफ्टी फाइव हो रहे हैं गाइस, तो गाइस नींद आ रही है मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ इसको इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड, बताना कैसा लगा आपको ब्लॉग, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।